नमस्कार दोस्तों, वरिंडिया में आपका स्वागत है। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इंडियन प्रीमियर लीग का अभी तक का सफर कुछ खास नहीं रहा है। यूएई पहुंचते ही इस फ्रेंचाइजी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। टीम को पहला झटका उस वक्त लगा जब 13 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद टीम के दो बेहद अनुभवी खिलाड़ी सुरेश रैना और हरभजन सिंह ने निजी कारणों से टूर्नामेंट में नहीं खेलने का फैसला किया, जो कि टीम के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। तमाम तकलीफों के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स ने अबू धाबी में खेले गए आईपीएल के उद्घाटन मैच में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर अपनी शानदार शुरुआत की। प्लेयर ऑफ द मैच रहे अंबाती रायडू ने इस जीत में बेहद अहम भूमिका निभाते हुए 48 गेंदों में 71 रनों की तबाहतोड़ पारी खेली थी। इसके बाद हैमस्ट्रिंग की वजह से रायडू अगले दो मैच के लिए टीम से बाहर कर दिए गए थे। इन दोनों ही मैच में चेन्नई को हार का मुंह देखना पड़ा। सीएसके को पहले राजस्थान रॉयल के खिलाफ 16 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 44 रन से हार का सामना करना पड़ा था। चेन्नई को अपना चौथा मैच दुबई में सनराइजर हैदराबाद के साथ खेलना है। हालांकि रायडू के टीम में लौटने के बाद अब उनकी ये परेशानी कम होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक सीएसके के अगले मैच में अंबाती रायडू के साथ ड्रेवन ब्रावो भी टीम के प्लेइंग 11 में वापसी कर सकते हैं। सीएसके के सीईओ के एस विश्वनाथन ने सोमवार को स्पोर्ट्स स्टार को बताया है, रायडू हैमस्ट्रिंग से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और अगले मैच में खेलेंगे। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने बिना किसी परेशानी के दौड़ लगाई और नेट पर बल्लेबाजी की। इसके साथ ही सीएसके के सीईओ ने बताया कि ब्रावो भी जांघ की चोट से उबर चुके हैं, जिसकी वजह से वे गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे। टूर्नामेंट की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 25 सितंबर को चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल में दूसरी हार मिली थी। इस टीम ने अपना एकमात्र मैच डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीता है, जो कि आईपीएल 13 का उद्घाटन मैच भी था। गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी, धोनी की अगुवाई वाली टीम को हर क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।